तो कैसे हैं आप लोग। मैं बिशु सिंह, स्वागत करता हूं बिशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज यूनिट डिजिट का तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। जो तीनों वीडियो में यूनिट डिजिट का बेसिक कंसेप्ट बताया हूं, आज जो बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। तो अगर आप लोग बिशु एकेडमी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अन्य कॉम्पिटेटिव के लिए, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले क्या पढ़ चुके थे, पहले मल्टीप्लिकेशन का पढ़ चुके थे, एडिशन वाला भी पढ़ चुके थे और ये सबट्रैक्शन वाला भी पढ़ चुके थे कि उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर वाला, पावर वाला, ठीक है। कि कितना भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, उसका कितना भी बड़ा नंबर पावर में दिया हो, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या बोला था कि अगले वीडियो में मैं रूल्स बताऊंगा, इसमें मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, वो रूल्स आप लोग याद कर लीजिएगा, उसे कितना भी बड़ा नंबर हो आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, 3 का स्क्वायर दिया हो, ठीक है, 3 का स्क्वायर दिया हो, ठीक है, 35 का स्क्वायर दिया हो, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर तो हम लोग इजिली निकाल लेंगे, क्या होगा, 9 होगा, जिसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 होता है, तो 1225 का 5 ही तो छोटा था, तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अगर यही 1725 के पावर 719 दिया हो, ठीक है, या 1819 के पावर क्या 2530 दिया हो, तो इसका कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यही, इसी का हम आज रूल्स देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट तक आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, फिर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या रूल्स है, चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई हम 0, 1, 5, 6, ये चार नंबर हो, तब चार नंबर होगा तो क्या होगा, नो चेंज होगा, इसका भी इकाई यही होगा। जैसे देखिए इसका क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है, नो चेंज होगा। अगर 0 है इसका भी 0 होगा इकाई अंक, कितना भी नंबर हो बड़ा, उसका अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 दिया है उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 दिया है तो 1 होगा, 5 दिया है तो 5 होगा, 6 दिया है तो 6 होगा, समझ में आया। अगर 0 का पावर n है, कुछ भी नंबर का पावर में दिया हो, अगर इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अगर n कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में इकाई अंक 1 दिया हो और उसका पावर कितना भी हो, तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, समझ में आया। अगर 5 दिया हो, इसका कितना भी कोई भी नंबर हो, तो लास्ट में इकाई अंक 5 दिया हो और पावर में कुछ भी हो, n हो, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 है, किसी भी नंबर का इकाई अंक 6 है और पावर में कुछ भी नंबर हो, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये काम आएगा, ठीक है, ठीक है, ये काम आएगा। और जैसे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 0 वाला लेता हूँ, 10 के पावर 1 क्या होगा, 10 होगा, ठीक है, 10 के पावर 2 क्या होगा, 100 होगा, 10 के पावर 3 क्या होगा, 1000 होगा, ऐसे ही डॉट 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 क्या आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 10 दिया हुआ इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इसका पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आएगा, समझ में आया। अब मान लीजिए क्या, 1 वाला, ठीक है, तो 11 के पावर 1 दिया हो तो क्या होगा, 11 होगा, ठीक है, 11 के पावर 2 दिया हो तो क्या होगा, 121 होगा, ठीक है। अगर 11 के पावर 3 दिया हो तो क्या होगा, 1331 होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, अगर इसका पावर में क्या है, कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, देखिए 1 ही हो रहा है, ठीक है। अब आइए 5 वाला, क्या 5 वाला, तो जैसा ये 5 के पावर 1 है तो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 के पावर 2 तो क्या 25 होगा, ठीक है, 5 के पावर 3 तो क्या होगा, 125 होगा। मतलब क्या कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट इकाई अंक 5 दिया हो, उसका जितना भी पावर कर लीजिएगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, तो समझ में आया। अब क्या बचा, 6 वाला बचा, ठीक है, तो 6 वाला देख लेते हैं। अगर देखिए 6 का पावर 1 क्या होगा, 6 होगा, 6 के पावर 2 36 होगा, ठीक है, 6 का पावर 3 क्या होगा,
216 होगा, 6 के पावर 3 क्या होगा 216 होगा, मतलब डॉट डॉट डॉट। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 6 होगा, उसके पावर में कुछ भी नंबर उसके इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। समझ में आया, 0156 ठीक है। रूल नंबर 1 में क्या है, अगर किसी भी इकाई अंक के किसी भी नंबर के इकाई अंक में 0156 दिया हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0156 ही होगा, नो चेंज ठीक है। उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, आइए कुछ एग्जाम्पल ले लिया हूँ, एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। मैं क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक में 0156 दिया होगा तो चेंज नहीं होगा, उसका इकाई अंक क्या जाएगा वही आ जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या दिया, 36 के स्क्वायर गुने का 41 के स्क्वायर गुने का 45 के पावर 6, इसका निकालना है इकाई अंक। तो देखिए 36 के इकाई अंक क्या है 6 है, तो मैं क्या बताया था इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, तो इसका 6 हो जाएगा। अब देखिए 41 का इकाई अंक क्या है 1 है ठीक है। अब क्या बताया था, अगर 1 रहेगा इकाई अंक तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 45 के पावर 6 ठीक है। तो मैं बताया गया था किसी भी नंबर का अगर इकाई अंक 5 होगा, पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। मतलब गुना देखिए, अब और क्या बताया था, क्या आ गया 6 × 1 × 5। अब इसके अगले वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में बताया था अगर एक सम संख्या मिल जाए और 5 दिख जाए मल्टीप्लाई में, एक सम संख्या दिख जाए और 5 दिख जाए मल्टीप्लाई में, उसका इकाई क्या आ जाता है 0 आ जाता है, क्या 0 आ जाता है। समझ में आया, मैं इसे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर एक सम संख्या दिख जाए और 5 दिख जाए गुने में तो उसका इकाई क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो इसका इकाई क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, गुना करने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ को एक और एग्जाम्पल ले लिया हूँ, बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया हूँ, आइए देखते हैं क्या है। 31 के पावर 520 गुने 996 के पावर 170 गुने 541 के पावर 622, अब इसका इकाई अंक निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए मैं क्या बोला था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 हो, पावर में कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है गुने का। अब देखिए यहाँ पे 996 है, तो मैं क्या बताया था अगर किसी के लास्ट में इकाई अंक 6 दिया हुआ, पावर में कुछ भी दिया हो, उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इस पावर में 70 है, लास्ट बस इकाई अंक से मतलब है इकाई अंक, देखिए इकाई 6 है तो क्या हो जाएगा नो चेंज, इसका भी इकाई अंक 6 हो जाएगा गुने का। क्या 541 है, 541 के पावर 622, मैं बताया था क्या किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इकाई अंक, सॉरी मैं बताया था क्या, और किसी भी नंबर की इकाई अंक 1 दिया हो तो उसका पावर में कुछ भी हो तो इकाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या 1 मतलब गुना मतलब क्या 6, इस सबका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, एग्जांपल के साथ समझा दिया। तो अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 2 पे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। देखिए इकाई अंक में क्या क्या नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही ना नंबर हो सकता है इकाई अंक में, किसी भी नंबर में इकाई अंक में यही ना नंबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही नंबर होता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो अब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, 0 पढ़ लिए थे, 1 पढ़ लिए थे और 5 पढ़ लिए थे और 6 पढ़ लिए थे, ये 4 तो पढ़ लिए रूल नंबर 1 में। अब रूल नंबर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 में 4 और 9 पढ़ेंगे ठीक है, 4 और 9 पढ़ेंगे। अब क्यों 4 और 9 को एक साथ क्यों उठाए, तो आइए देखते हैं ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक चीज दिखाता हूं। देखिए 4 के पावर 1 कितना होगा 4 होगा ठीक है, 4 के पावर 2 कितना होगा प्रोपोर्शन 16 होगा, 4 के पावर 3 कितना होगा 4 के पावर 3 कितना होगा 64 होगा, 4 के पावर 4 कितना होगा 256 होगा, 4 के पावर 5 कितना होगा, 4 के 5 पावर कितना हो जाएगा 1024, क्या मतलब 4 के पावर 1 4 होगा, 4 के पावर 2 16, 3 में क्या 64 है, 4 के पावर 4 में क्या है 256, 4 के पावर 5 में क्या है 1024। ऐसे ही डॉट डॉट क्या 6, 4, 6, 4 चलते रहेगा, तो इसमें कुछ देखने को मिल रहा है क्या, 4 और 6 मिल रहा है देखने को, क्या 4, 6, 4, 6, 4, 6, इससे कुछ समझ में आया,
आइए बताते हैं, क्या देखने को मिला, चार छ चार छ चार छ, मतलब चार के पावर एक है तो चार हो जा रहा है, चार के पावर दो तो छ लास्ट में इकाई अंक, चार के पावर तीन तो फिर चार हो जा रहा है इकाई अंक, चार के पावर चार तो फिर इकाई अंक क्या हो रहा है, छ हो रहा है, मतलब एक तीन पांच में चार है, दो चार छ में मतलब छ छ है, मतलब ऑड नंबर पे क्या है, ऑड नंबर पे चार है, इवन नंबर पे क्या है, छ है, तो मतलब क्या, तब क्या अगर किसी नंबर के लास्ट इकाई अंक, अगर किसी नंबर के इकाई अंक चार दिया हो तो देखिए इसका दो हो जाता है, ठीक है, अगर पावर पावर ऑड हो तो इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, चार होगा, अगर पावर पावर इवन हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, समझ में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में सॉरी अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक चार दिया हो, ठीक है, अगर उसका पावर ऑड होगा तो इकाई अंक चार आएगा, अगर पावर इवन होगा तो इकाई अंक छ आएगा, और मतलब विषम संख्या होगा तो इकाई अंक चार आएगा, सम संख्या होगा तो इकाई अंक छ आएगा, समझ में, यहां भी देख लीजिए ऑड है तो चार, जितना भी ऑड है तो चार आ रहा है, इवन है तो छ आ रहा है, ऐसे छ आएगा, ठीक है, समझ में है, अगर लास्ट में इकाई अंक चार दिया हो, अगर उसका पावर में ऑड हो, विषम संख्या हो तो इकाई अंक चार होगा, और इवन हो सम संख्या होगा तो इकाई अंक छह होगा, समझ में आया, उम्मीद करता हूं ये चार वाला समझ में आ गया होगा, अब नौ वाला देखेंगे, अब एक चलिए दो एग्जांपल लेके समझा देता हूं, इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो हम लोग किससे मतलब है, इकाई अंक निकालना, इकाई अंक से मतलब लाना चाहिए, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है, चार दिया हुआ है, ठीक है, और इसका पावर में क्या है, पावर में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो मैं क्या बताया था, अगर लास्ट इकाई अंक चार दिया हो, अब विषम संख्या दिया हो पावर में, ऑड नंबर दिया हो पावर में, तो क्या होगा, इसका इकाई अंक चार हो जाएगा, ठीक है, समझ में, अब यहां देखिए इकाई अंक क्या दिया हुआ है, चार दिया हुआ है, और क्या है, पावर में विषम संख्या है, ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो मैं क्या बताया था, अगर ऑड नंबर होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए यहां पे इकाई अंक क्या दिया हुआ है, चार दिया हुआ है, अब पावर में क्या है, पावर में देखिए यहां पे पावर में क्या है, इवेन नंबर है, पावर में यहां पे क्या है, इवेन नंबर है, तो मैं क्या बोला था, इकाई अंक चार दिया हो, पावर में इवेन नंबर दिया हो, मतलब सम संख्या दिया हो, तो इकाई अंक उसे क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, तो छह, तो उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल के साथ बताया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब नौ वाला देखेंगे, चार वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है, वाला देखेंगे नौ में क्या है, ठीक है, चार वाला तो देख लिए, नौ वाला सेम है वैसे ही है, अगर देखिए नौ के पावर एक दिया हो तो क्या होगा, नौ होगा, ठीक है, नौ के पावर दो दिया है तो क्या होगा, इक्यासी होगा, ठीक है, नौ के पावर तीन दिया हो तो क्या होगा, सात सौ उनतीस होगा, ठीक है, और नौ के पास चार दिया हो तो क्या होगा, अब देखिए नौ में नौ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही डायरेक्ट करता हूं, लास्ट में एक आएगा, और नौ के पावर पांच दिया हो तो देखिए नौ में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नौ होगा, मतलब इसमें भी देखिए क्या होगा, नौ के पावर एक है तो नौ नौ आया, नौ के पावर दो है तो इक्यासी आया, इसमें भी देखिए नौ के पावर एक है तो नौ आया इकाई अंक, नौ के पावर दो है तो लास्ट में क्या है, एक आया इकाई अंक, नौ के पावर तीन है तो फिर इकाई अंक नौ आया, नौ के पावर चार है तो इकाई अंक एक आया, पांच है तो नौ आया, फिर छह होगा तो क्या होगा, एक आएगा, इसमें क्या दिख रहा है कि ऑड नंबर पे क्या आ रहा है, अगर इकाई अंक नौ दिया हो किसी भी नंबर का, अगर पावर में ऑड होगा तो क्या नाइन आएगा, नौ आएगा, ठीक है, अगर इवेन नंबर होगा तो एक आएगा, नौ के पावर में अगर ऑड होगा तो क्या इकाई अंक क्या होगा, नौ आएगा, अगर इवेन होगा तो क्या होगा, एक आएगा, ठीक है, तो आइए बताते हैं, नौ है अगर पावर में ऑड नंबर होगा, ठीक है, अगर विषम संख्या होगा तो क्या इकाई अंक नौ आएगा, अगर पावर में इवेन नंबर होगा, अगर पावर में इवेन नंबर होगा, पावर में सम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा, समझ में आया, किसी भी नंबर के इकाई अंक अगर नौ दिया हो, अगर पावर में ऑड नंबर होगा
पावर में विषम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 9 आएगा। अगर किसी नंबर के इकाई अंक में 9 दिया है, अगर पावर में इवन नंबर होगा और पावर में सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। कुछ एग्जांपल ले लिया हूं और इस तरह क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना बड़ा नंबर है, पावर में भी बड़ा नंबर है, तो हम लोग बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं है, निकालना क्या है इकाई अंक, तो हम लोग मतलब किस तरह चाहिए इकाई अंक से। इसका इकाई अंक क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, अब इसका पावर में देखेंगे ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 35 इवन ऑड नंबर है, तो क्या होगा इसका, मैं क्या बोला था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 9 हो, मैं बोला था क्या कि अगर किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक 9 दिया हुआ पावर में ऑड होगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, इसमें भी बहुत बड़ा नंबर है, इसका पावर में भी बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका कैसे निकालेंगे, मैं इतना बड़ा से कोई मतलब नहीं है, पूरा नंबर से कोई मतलब नहीं है, निकालना क्या है इकाई अंक, तो हम लोग इकाई अंक से मतलब रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यहाँ पे इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब मैं क्या बोला था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इकाई अंक, अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक में 9 दिया हो और उसका पावर ऑड होगा तो इकाई अंक 9 होगा, और इवन होगा तो इकाई अंक 1 होगा। इसका क्या है, देखिए लास्ट वाला इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है इसका पावर, तो क्या होगा इकाई अंक 1 होगा। समझ में आया, अब देखिए एक और एग्जांपल लिया हूं, 729 के पावर क्या है, इतना बड़ा है 6968 है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है इकाई अंक से, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, और ठीक है इसका पावर देखेंगे ऑड है इवन है, तो ऑड क्या है, इसका पावर क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो क्या मैं बोला था कि अगर लास्ट में मैं क्या बोला था, अगर इकाई अंक 9 दिया हो उसका पावर इवन हो तो क्या होगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा।